एनएसी पर चीन ने शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार, पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा जारी। चीन ने कमांडर स्तर की बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया, लेकिन तनाव लंबा खिंचने की आशंका। चीन से तनाव के बीच शुक्रवार को लद्दाख के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, के साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी होंगे साथ में और सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर चीन के बहिष्कार की शुरुआत की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दीपों को छोड़ा और 2,44,000 उनके फॉलोअर थे। मुकुल रोहतगी ने चीन की प्रतिबंधित ऐप टिकटॉक की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से इनकार कर दिया। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो टिकटॉक ऐप के लिए भारत सरकार के खिलाफ दलील नहीं देंगे। अब चीन की ऐप कंपनियां बैन से बचने के लिए भारत में कानूनी विकल्प ढूंढ रही है। लखनऊ शिफ्ट हो सकती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, यूपी कांग्रेस के नेताओं में बड़ी है हलचल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली का लोधी स्टेट वाला बंगला 1 अगस्त से पहले खाली करने के दिए निर्देश। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज के छात्रों को आज मिल सकती है बड़ी राहत। छात्रों को प्रोन्नत करने के फैसले पर मुहर लगा सकती है सरकार, फैसले पर 48,00,000 से ज्यादा विद्यार्थियों की नजर। बीएड की फर्जी डिग्री को लेकर नौकरी कर रहे 2,823 फर्जी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, अब तक लिया गया पूरा वेतन भी वसूलेगा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई तक रिपोर्ट तलब की और एसआईटी जांच में हुआ था फर्जीवाड़े का खुलासा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार, आज 28 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ में सिरफिरे पति ने की है वानियत, पत्नी और साली पर रॉड से किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान साली की मौत, पत्नी की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। शराब कांड के आरोपी पूर्व बीजेपी नेता अजय सोनकर उर्फ कोचू को नैनीताल हाई कोर्ट से मिली जमानत, 20 सितंबर 2019 को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आज हो सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान दर्ज, लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। देश में कोरोना के मामले 6,00,000 के पास, सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही 1,00,000 लोग संक्रमित हुए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने को कहा। देहरादून में सेना के 8 जवान कोरोना संक्रमित, चेन्नई हरियाणा राजस्थान कर्नाटक जबलपुर पश्चिम बंगाल से लौटे थे सेना के जवान, मिलिट्री अस्पताल में चल रहा इलाज। देवरिया में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है, थाने में फरियादी के सामने अश्लील हरकत करने वाला इंस्पेक्टर भीष्मपाल सिंह गिरफ्तार, नौकरी से भी किया गया बर्खास्त, अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद हुआ था फरार। उधम सिंह नगर के बाजपुर में ताऊ और बामा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया है। ललितपुर में लगातार तीसरी बार पाकिस्तानी टिड्डियों के दल ने हमला किया, कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने देर रात टिड्डियों के दल और रासायनिक दवा का छिड़काव कर लाखों की तादाद में टिड्डियों का सफाया कर दिया। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में एक गत्ते के गोदाम में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रात की वजह से मार्केट में लोग नहीं थे और आसपास की दुकानें भी बंद। अमेठी में तेज रफ्तार कार नहर में पलट गई, हादसे में नहर में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के सेमरता नैया गांव का ये मामला है। महोबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 8 बाइक्स बरामद। आगरा जिला जेल में लगाया गया वायरलेस पैनिक अलार्म सिस्टम, डीआईजी जेल ने किया उद्घाटन, किसी भी आपात स्थिति में किया जा सकता है इस्तेमाल।
आगरा में हुए एटीएम लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 23 जून की रात को चीलू गैंग के लोग उखाड़ कर ले गए थे एटीएम और गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। गोरखपुर में कुख्यात अपराधी मोनुद्दीन अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई मामलों में फरार चल रहा था मोनुद्दीन मैनुद्दीन अंसारी और आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद। ग्रेटर नोएडा की थाना सेक्टर 49 की पुलिस से रेप के केस में वांटेड चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और 30 जून को थाने में एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की। मथुरा में लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के जरिए सस्ते दामों पर गाड़ी और अन्य सामानों को बेचने के बहाने लोगों को ठगा करता था। गोंडा में तालाब में नहाने गए 5 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई जबकि 3 बच्चों को मुश्किल से बचा लिया गया। 3 बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है जबकि 2 बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बेच दिया गया। रामपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है और डीएम ने कहा कि लोग लापरवाही कर रहे हैं। हमारे अधिकारी भी रिस्क पर हैं और जिले में 365 केस सामने आ चुके हैं और 309 रिकवर हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। महराजगंज पुलिस ने गायब और चोरी की 70 मोबाइल फोन को बरामद किया और उनके उपयोगकर्ताओं तक उनको पहुंचाया गया जिनकी कीमत लगभग 7 लाख से अधिक बताई जा रही है। गोरखपुर में ठेकेदार से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को रेलवे बस स्टेशन तिराहा के पास से पकड़ा गया। बागपत में बदमाश परमवीर तुगाना हत्याकांड केस में गिरफ्तारी। पुलिस ने सुनील राठी गैंग के 1 सदस्य को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद। कन्नौज में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 13 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। इन सभी के फर्जीवाड़े का खुलासा विभागीय जांच के बाद हुआ है। पीलीभीत में दबंगों ने बोला है खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला। पुरानी रंजिश के चलते किसान की बिताई की गई। किसान को खेत में बंधक बनाकर ले गए दबंग। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने छुड़ाया। टिहरी के गंगी गांव में सैकड़ों की तादाद में पेड़ काटने का मामला का खुलासा हुआ है। डीएम ने पेड़ों की कटाई का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 8200 रुपए बरामद हुए। थाना B2 पुलिस ने नट मधैया टोल चक्कर के पास से 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। CA के विरोध में लखनऊ में हुई हिंसा पर एक्शन तेज। 3 उपद्रवियों के यहां पर प्रशासन की छापेमारी। एक कॉम्प्लेक्स और संपत्ति की गई सीज। बहराइच में अवैध लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। अवैध कटान पर कर तस्करी के लिए लकड़ियों को ले जाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने किया सीज और ट्रक ड्राइवर सहित तस्कर भागने में कामयाब रहे। तलाशी जारी। सहारनपुर में अवैध हथियार रखने का आरोपी जिला कचहरी से फरार हो गया। आरोपी को जिला कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। बता दें कि एक ही पैन पर कई शिक्षकों ने वेतन लिया था। साथ ही करीब 3800 टीचर्स ने अपना पैन बदला है और कई टीचर्स का वेतन एक ही पैन पर अलग अलग बैंक खातों में जा रहा। भाजपुर में धरने पर बैठकर सड़क जाम करना किसानों को बड़ा भारी पड़ा है। पौर पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा किसानों पर मुकदमा दर्ज किया। BKU के नेतृत्व में दिया जा रहा था धरना। अमरोहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 12 घंटे के अंदर अस्पताल से चोरी हुए नवजात को पुलिस ने खोजा। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुल्तानपुर में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के ऊपर था 25,000 रुपए का इनाम। अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद।